हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रायर, आप देख रहे हो हिंदी एक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गूगल कैमरा 7.5 के बारे में। जो गूगल कैमरा का 7.5 है और जो जीकैम का 7.5 है दोस्तों, रिसेंटली कुछ कुछ एंड्रॉयड 11 बीटा यूज़र के अंदर ऐड करके दिया गया है और अपडेट करके दिया गया है। सो इस वीडियो के अंदर हम मेनली बात करने वाले हैं जीकैम 7.5 के जो अपकमिंग फीचर्स है उसके बारे में। एंड वेल दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर जीकैम 7.5 का जो एपीके है वो भी शेयर करूँगा एंड मॉडिफाई एपीके भी शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट जरूर से करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एज वेल, अगर आप चाहो तो मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीकैम 7.5 का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। बट भाई साहब, वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो कि आपको जानना जरूरी है, इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहिए। दैट ये जो दोस्तों अपडेट के बारे में जो बताने वाला हूँ, जो जो फीचर्स के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जो कि जीकैम 7.5 के अंदर हो सकता है दोस्तों, इन फ्यूचर शायद गूगल ना प्रोवाइड करे, शायद रिमूव कर दे। टोटली डिपेंड करेगा दोस्तों फीचर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या स्टेबल है और नहीं। सबसे पहला जो फीचर यहाँ पर जीकैम 7.5 के अंदर हो सकता है वो है मोशन ब्लर। जो मोशन ब्लर फीचर है दोस्तों, इससे पहले ही हम गूगल कैमरा के अंदर देख चुके हैं। जो मोशन ब्लर है दोस्तों, कुछ कुछ पोर्ट्रेट मोड की तरह है। जो पोर्ट्रेट मोड है वो सिर्फ फेस के अंदर काम करता है, बट जो मोशन ब्लर है दोस्तों किसी के अंदर भी काम करता है। आपको फेस के ऊपर काम करेगा या ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा, दोनों चीज़ के ऊपर काम कर जाती है। बट जो पोर्ट्रेट मोड है वो सिर्फ यहाँ पर फेस के अंदर ही काम करता है। जो मोशन ब्लर है दोस्तों, ये 7.5 के अंदर फिट से आने वाला है। इस बार एक नया चीज़ ऐड होगा दोस्तों, जो मोशन ब्लर है उसे आप नाइट स्लाइड मोड के अंदर यूज़ कर सकते हो, टाइम लैप्स मोड के अंदर यूज़ कर सकते हो, फोटो स्पेड मोड के अंदर यूज़ कर सकते हो, एज वेल शायद वीडियो के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा, जब भी आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर फोकस होगा, बाकी पीछे का जो होगा दोस्तों ब्लर हो जाएगा। ऑलमोस्ट DSLR लाइक आपको यहाँ पर फीचर मिलेगा, DSLR लाइक दोस्तों आपको ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी मिलेगी। सो जो मोशन ब्लर फीचर है फिर से जीकैम 7.5 के अंदर आ सकते हैं। जो नेक्स्ट फीचर के बारे में बात किया गया हुआ है दोस्तों, ऑडियो जूम। जो ऑडियो जूम टेक्नोलॉजी है तो इससे पहले सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जब भी आप कोई भी चीज़ के ऊपर वीडियो करने के दौरान जूम करोगे, मान लेते हैं दो पर्सन बात कर रहे हैं, अगर आप एक पर्सन के अंदर फेस के ऊपर जूम करोगे तो ऑटोमेटिकली जो अदर पर्सन है, अदर पर्सन का वॉइस को म्यूट करके दिया जाएगा और जो पर्सन के ऊपर फोकस करके दिया गया है उस पर्सन का जो वॉल्यूम है ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। सो ऑडियो जूम का भी फीचर जीकैम 7.5 के अंदर आ सकता है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है। इससे पहले दोस्तों ये जो ऑडियो जूम फीचर है दोस्तों, ये गूगल कैमरा का एक मॉडिफायर है, जो गूगल कैमरा का मॉडिफाई मोड क्रिएट करते हैं। एक डेवलपर है, डेवलपर का नाम है C-Truck 27। सो उस C-Truck 27 बंदे ने ऑलरेडी जो ऑडियो जूम फीचर है उसे अपने गूगल कैमरा के अंदर ऐड करके दिया गया था, बट वो हार्डवेयर के लिमिटेशन के कारण ढंग से काम नहीं कर रहा था। बट अभी दोस्तों शायद होपफुली जीकैम 7.5 के अंदर हमें जो ऑडियो जूम का फीचर है वो देखने को मिले। नेक्स्ट जो फीचर ऐड हो सकता है जीकैम 7.5 के अंदर वो है फ्लैश इंटेंसिटी। सो ये जो फीचर है, इस फीचर के बारे में ज़्यादा कुछ अभी बताया नहीं गया है। अभी दोस्तों आप क्या कर सकते हो, फ्लैश को ऑन ऑफ कर पाओगे, ऑटो कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट इन फ्यूचर शायद आप जो फ्लैश है, फ्लैश का जो ओपेसिटी है, मतलब जो फ्लैश को आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब जिस तरह से हम वॉल्यूम को 0 to 100% करते हैं उस तरह से हम फ्लैश को भी शायद 0 to 100% कर सकते हैं जीकैम 7.5 के अंदर। बाकी देखते हैं, इसके लिए आपको अलग से कोई हार्डवेयर की ज़रूरत होती है नहीं, क्योंकि पिक्सल 5 भी आने वाला है, पिक्सल 4a भी शायद आ जाए। बट नेक्स्ट जो फीचर ऐड हो सकता है वीडियो शेयरिंग। अभी दोस्तों आपको मालूम होगा, अगर आप जीकैम 7.3 और जीकैम 7.4 यूज़ कर चुके हो दोस्तों, आपको यहाँ पर क्विक शेयर करके एक ऑप्शन मिलेगा और फोटो शेयर करके ऑप्शन मिलेगा। मतलब जब भी आप कोई भी पिक्चर गूगल कैमरे के अंदर क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली गूगल कैमरा का जो भी फोटो को आप अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के अंदर शेयर कर पाते हैं। बट जो वीडियो शेयरिंग फीचर है दोस्तों, अभी भी मिसिंग है। सो जीकैम 7.5 के अंदर आपको वीडियो शेयरिंग फीचर मिल सकती है, जहाँ पर आप डायरेक्टली अपने गूगल कैमरा से जो फोटोज़, जो वीडियोज़ है, आप डिस्कॉर्ड के ऊपर, फेसबुक के मैनेजर, फेसबुक मैसेजर, हैंग आउट, IMO, इंस्टाग्राम, स्काइप, टेलीग्राम, ट्विटर के ऊपर डायरेक्टली आप शेयर कर पाओ। इवन वीडियोज़ को भी, फोटोज़ को आप कर ही पाते थे, बट अभी आप वीडियोज़ को भी डायरेक्टली गूगल कैमरा से कोई भी वीडियोज़ को क्लिक किया डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हो ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर। अभी दोस्तों जो जीकैम 7.5 है सिर्फ एंड्रॉयड 10 के ऊपर काम करेगा, पिक्सल डिवाइस के अंदर। अगर आपके पास और कोई डिवाइस है, अभी दोस्तों जीकैम 7.5 का मोड अभी के अवेलेबल नहीं है, कुछ दिन वेट कर लीजिए, जल्दी से ही जीकैम 7.5 का मोड अभी के आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, जरूर से वीडियो को लाइक करना, इस तरह और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच।